हेलो दोस्तों, गोचेंग कंपनी का पुराना मशीन, इसमें आर्मेचर डैमेज हो गया है। मेरे पास रिपेयर करने लेके आया है। इसमें जो रोलर देखने को मिलते हैं, ये रोलर मार्केट में खरीदने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो ब्लेड कवर है वो भी खरीदने को नहीं मिलते हैं। देखिए, इसमें जो आर्मेचर है ना, डैमेज हो गया है। जब भी मशीन चल रहा है बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है और कार्बन जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है। आपके साथ शेयर करते हैं, मशीन को पहले सीरीज में टेस्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लाइन में मशीन को चला के आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छे से देखिए। देखिए, इसमें आर्मेचर डैमेज हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग दे रहा है, कार्बन जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है। तो इसमें हमें आर्मेचर चेंज करना है। तो जो चाइनीज़ वाला मशीन होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होता है, इसमें आर्मेचर कभी कभार फिटिंग नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो ये मशीन में आर्मेचर मैंने कभी चेंज नहीं किया था, तो आज आर्मेचर चेंज करते हैं। जो 2510 जो मॉडल का आर्मेचर होता है मार्केट में चालू होता है, बहुत ही अच्छे होता है अग्नि कंपनी का आर्मेचर, जो फिट करते हैं ना, आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, कार्बन नया लता उसमें डैमेज होकर छोटे हो गया। ये आइकन कंपनी का ही कार्बन है, तो मेरा रियल काम है, मेरे को भी देखना होता है, तो अच्छे से मेरे को काम करना है। जो रियल है आपके साथ मैंने शेयर करते हैं। तो इसमें मैंने आर्मेचर चेंज किए, बैरिंग चेंज किए हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छे से देखिए। मशीन में आर्मेचर बड़े से बाहर हो गया है, तो मैंने कुछ नोटिस किया है। तो इसमें फैन गार्ड फिटिंग है, तो आर्मेचर में जो पंखा होता है ना, फाइबर का होने पर फैन गार्ड यूज़ कर सकते हो, और लोहे होने पर उसमें आप फैन गार्ड यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एयर बढ़िया से बाहर नहीं होगा। तो इसमें जो फ्यूल कॉइल है ना, वो थोड़ा लाइट आपको देखने को मिलते हैं। आर्मेचर थोड़ा आपको हेवी देखने को मिलते हैं, आर्मेचर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो इसमें बैरिंग भी डैमेज नहीं है, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसमें आर्मेचर डैमेज कैसे हो गया, तो उसको चेक करके देखना है। हो सकता है इसमें जो मशीन में एयर है ना, बड़े से बाहर नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा हीट हुआ है, उसके वजह से आर्मेचर डैमेज हो गया। तो फैन गार्ड हम ओपन करके मशीन फिटिंग करके चलाएंगे, और इसमें एयर बहुत ही अच्छे से बाहर होगा, आपके साथ शेयर भी करते हैं। और जो कस्टमर मशीन लेके आया था वो भी बोल रहा था पहले से बहुत ही अच्छे से एयर बाहर हो रहा है। देखिए, इसमें मैंने आर्मेचर ओपन किए हैं, तो आर्मेचर में मॉडल नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2510। तो जो 2510 आर्मेचर होता है, इसमें फिटिंग होता है नहीं होता है, आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, अग्नि कंपनी का जो आर्मेचर है, नया आर्मेचर है, इसको हम फिटिंग करेंगे। दोनों आर्मेचर एक साथ रख के देख लेते हैं, दोनों आर्मेचर सेम है। देखिए, आर्मेचर दोनों तो सेम लग रहा है, तो अभी फिटिंग करके हमें चेक करना है। मेरे पास एक आर्मेचर है, उसमें मैंने वायरिंग फिटिंग किया था एक मशीन में फिटिंग करने के लिए, उसमें आर्मेचर बढ़िया से फिटिंग नहीं हुआ, तो रखा हुआ था, तो वही आर्मेचर पहले हम फिट करते हैं। आर्मेचर में आगे वाला जो बैरिंग है ना,
बैरिंग का साइज है 6000, पीछे वाला बैरिंग का साइज है 608। तो आर्मेचर में बैरिंग फिटिंग है, आर्मेचर चला नहीं पाए, उसमें कार्बन में आपको स्पार्किंग देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें कार्बन का जो रोटेट होता है ना उसमें देखने को जो मिलते हैं तो वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको लाएंगे आर्मेचर पहले से फिटिंग है, ऐसे नहीं है, तो कॉमिटर देख के आपको पता चलता है आर्मेचर में कार्बन टच नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम आर्मेचर को फिटिंग करते हैं, कंप्लीट फिटिंग हो जाने के बाद उसमें फ्री मूव करेगा, उसके बाद हम कार्बन डाल के मैसन को चला के आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे को भी देखना है इसमें फिटिंग होता है नहीं होता है, मेरा रियल काम है, मैं कैसे काम करता हूँ ना आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने बड़े से इसमें फिट कर लिया है, बड़े से मूव कर रहा है और बड़े से फिटिंग करके चला के देखते हैं। तो इसमें फैन गार्ड हम नहीं डालेंगे, तो फैन गार्ड ओपन करके हम चलाएंगे। बाजू में कस्टमर बैठा हुआ है, उसको मैं समझा रहा हूँ, ये जो फैन गार्ड है ना, ये ऐसे आर्मेचर के लिए फिटिंग होता है जिसमें फैन जो होता है ना फाइबर का होता है, तो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और ये लोहे का फैन है तो इसमें फैन गार्ड की जरूरत नहीं है, फैन गार्ड हम डाल देंगे ना इसमें एयर बड़े से बाहर नहीं होगा, उसका फिटिंग अलग होता है, इसका फिटिंग अलग होता है। तो इसमें एयर अलग से बाहर होता है और बहुत सारे मशीन होता है उसमें जो लोहे का आपको फैन देखने को मिलते हैं उसमें फैन गार्ड देखने को नहीं मिलते हैं, और जो फाइबर होता है उसमें फाइबर का फैन देखने को मिलते हैं। जैसे बॉस कंपनी मशीन में आपको फैन गार्ड देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको कवर भी देखने को मिलते हैं। फाइबर में जो फिटिंग होता है ना, जैसे एंगल ग्राइंडर मशीन होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कार्टर मशीन होता है, जैसे CM4 में आपको फैन गार्ड देखने को नहीं मिलते हैं, ASB में देखने को मिलते हैं, CM5 में देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे करके हम फिर फिटिंग करते हैं, लकड़ी से टक्कर मार के मैंने फिटिंग करते हैं। तो आपको हैमर यूज़ नहीं करना है, बहुत ही प्यार से आपको इसको फिट कर लेना है। तो आपके साथ मैं रियल काम शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर जो होता है ना आपको अच्छे से काम सिखाना है, तो इसलिए मेरा जो रियल है वही आपके साथ शेयर करते हैं। हमें बढ़िया से फ्री करना है, तो फ्री जब तक नहीं होगा हमें उसको अच्छे से ठोक ठाक के उसको फ्री बना लेना है। तो बढ़िया से अभी मूव हो रहा है, मतलब बढ़िया से उसमें फिटिंग हो गया है। तो आपके साथ शेयर करते देखिए बढ़िया से मूव कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही फिटिंग करना है, थोड़ा सा घुमाने पर बढ़िया से मूव करेगा। बढ़िया से मूव नहीं हो रहा है मतलब फिटिंग बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो कार्बन डाल के मशीन को हम चला के आपके साथ शेयर करते हैं, और कार्बन डालने के बाद मशीन जब भी आप चलाओगे उसमें स्पार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो कार्बन है ये प्लानर मशीन का कार्बन नहीं है, जो 220 हैमर ड्रिल मशीन है उसी का कार्बन इसमें फिटिंग करते हैं। प्लानर का जो कार्बन मार्केट में मिलते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, जल्दी डैमेज भी हो जाता है, इसी वजह से मैं 220 हैमर ड्रिल मशीन का कार्बन यूज़ करता हूँ। बड़े से वर्क भी करते हैं और लॉन्ग टाइम चलते भी है। सीज लाइन पे मशीन को हम शॉक चेक कर रहे हैं, शॉक नहीं है, डायरेक्ट लाइन में मशीन को चला लेते हैं।
रखो भाई, हवा में रखो, देखो फैन गार्ड छिलो ना। ये जो फैन गार्ड है ना, ये नहीं लगाना चाहिए, ये जो कंपनी का जो फिटिंग से ना, ये रॉन्ग है। पहले इसमें एयर बड़े से बाहर नहीं हो रहा था, अभी बड़े से बाहर हो रहा है, तो इसमें फैन गार्ड का जो फिटिंग है ठीक नहीं है, मैंने उसको ठीक कर लिया है। देखिए आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, जो रियल ना वही शेयर कर रहे हैं। देखिए जो 801 एंगल ग्राइंडर मशीन है उसमें फैन गार्ड फिटिंग होता है, तो आप मशीन जब ओपन करते हो आपको भी दिखाई देता है, जो फाइबर फैन होता है जैसे फिटिंग होता है, इसमें फैन गार्ड फिट रहता है। तो कैसे फिटिंग होता है, कैसे काम करता है आपके साथ शेयर करते, ऐसे फिट रहते हैं। तो एयर ऐसे अंदर जाता है, और देखिए यहाँ से आपको अंदर एयर जाते हैं, उसके बाद इसमें बाहर होता है, इस साइड में बाहर हो जाता है। और लोहे का जो फैन होता है उसका जो फिनिशिंग होता है वो भी थोड़ा अलग है, फैन गार्ड का जरूरत नहीं पड़ती है। अब फैन गार्ड में थोड़ा सा टच होने पर फैन गार्ड कटिंग हो जाएगा, तो इसमें ओपन होता है और उसमें जो फैन होता है वो भी अलग होता है, उसमें एयर को जो बाहर करने का फिटिंग्स होता है वो थोड़ा अलग होता है, बहुत बढ़िया से उसमें एयर को बाहर करते हैं। तो फिटिंग हमें अच्छे रखना है, तो जो जैसे फिटिंग होता है ऐसे ही हमें फिट करना है, तो हमें अपने फायदे के लिए कुछ भी फिटिंग नहीं करना है। तो फिटिंग बढ़िया से रहेगा ना तो एयर बड़े से बाहर होगा और उसमें कूलिंग भी बड़े से करेगा। तो मशीन में फिटिंग कैसे रहते हैं आपके साथ मैंने शेयर किया, जो रियल है ना वही शेयर कर रहे हैं, झूठ मूठ के आपके साथ कुछ भी बातें शेयर नहीं करेंगे। इसमें जो कार्बन मैंने डाला था ये कार्बन इसका नहीं है, इसमें जो कार्बन फिटिंग होते हैं थोड़े चौड़े होता है, इसमें थोड़ा पतले कार्बन फिटिंग है। जो एक कार्बन है ना जो नॉर्मल प्लानर मशीन है उसमें फिटिंग हो जाता है, 1900B उसमें भी सेम कार्बन फिटिंग होता है, ये कार्बन थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से जब भी कार्बन टच होता है ना उसमें स्पार्किंग होता है, गड्ढे भी बन जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम एक होते हैं। तो हमें काम तो चलाना है तो इसमें हमें देख के उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे करके मशीन को हम ओपन कर लेते हैं। उसमें हमें क्या करना है, आर्मेचर तो बड़े से फिटिंग हो गया है, रोलर में बैरिंग पुराना है उसको हमें चेंज करना है, बैरिंग ओपन करके हाइड्रोलिक प्रेस में बैरिंग को फिटिंग करेंगे। इसमें चारों बैरिंग फिटिंग होते हैं, इसमें 3 बैरिंग एक टाइप के होते हैं, एक बैरिंग एक अलग होता है। 3 जो बैरिंग फिटिंग होता है 6000 बैरिंग फिटिंग होता है, और आर्मेचर में जो छोटे वाले बैरिंग फिटिंग होता है 608 एक बैरिंग अलग होता है। और दूसरे जो मशीन होता है जो 2510 जैसे हेवी ड्यूटी हॉर्स पावर कंपनी का मशीन था, उसमें जो बैरिंग फिटिंग होता है 2 एक टाइप होता है और 2 अलग अलग होता है। बड़े जो 2 बैरिंग होते हैं उसमें बैरिंग का साइज है 6200 6000 608, तो चारों बैरिंग फिट होता है। तो पुली हम ओपन कर लिए हैं, इसमें रोलर का जो बैरिंग है हम लकड़ी से टक्कर मार के इसको बाहर कर लेते हैं, बहुत ही प्यार से आपको टक्कर मार के इसको बाहर करना है, हैमर आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने ये जो मशीन फिटिंग की है ना तो उसमें छोटे हैमर यूज़ किए हैं, तो आप भी पावर टूल्स मशीन रिपेयर करते हो छोटे हैमर आपको यूज़ करना है। देखिए इसमें जो बैरिंग है ना बड़े से मूव नहीं हो रहा है, तो इसमें जैम है, इसी वजह से बड़े से मूव नहीं करते, बहुत ज़्यादा हीट होता है और इसमें प्रेशर भी आते हैं, तो बैरिंग बड़े से मूव नहीं हो रहा है, आपको बैरिंग चेंज कर लेना है। तो पुलर के मदद से बैरिंग को ओपन करते हैं,
मैंने कुछ नोटिस किया आपके साथ शेयर करते। मशीन किसी ने रिपेयर किया था, उसके पास कूलर नहीं था, हैमबार से टक्कर मार के बैरिंग को शायद ओपन किया था, उसके बाद फाइल के मदद से उसमें कटिंग करके बैरिंग को फिटिंग किए हैं। तो ऐसे जब फिटिंग किए जाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होते हैं, तो बैरिंग बड़े से नहीं फिट होगा, उसमें बैलेंस भी चुभेगा और बड़े से उसमें मूव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम बार बार होता है, क्यों पता है? जो मैकेनिक मशीन को रिपेयर करते हैं उसके पास सही टूल्स नहीं होता है। इस साइड में बैरिंग फिटिंग बिल्कुल ठीक किया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बैरिंग हम फिटिंग करते हैं। तो मेरे जो काम है रियल काम आपके साथ शेयर करते हैं, मैं हाइड्रोलिक प्रेस में बैरिंग फिटिंग करेंगे। मेरे जो 10 टन का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, तो ये मशीन मैंने खुद मेक किया है, उसी के मदद से बैरिंग को हम फिटिंग करते हैं। कितना ईजी आप फिटिंग कर पाओगे तो आपके साथ मैं शेयर करते हैं, मेरा रियल काम है। तो इसमें एक पाइप हमें ढूंढना है जो इसमें बढ़िया से फिटिंग हो जाए, और उसमें रोलर में जहाँ पे बैरिंग फिटिंग होता है बढ़िया से उसमें फिट हो जाए। देखिए पहले हमें चेक कर लेना है, तो उसके बाद धीरे से हम बैरिंग को बैठाएंगे और धीरे से प्रेस कर लेंगे, बढ़िया से फिट हो जाएगा। बड़े से फिटिंग हो जाने के बाद आपको घुमा के भी चेक कर लेना है, बढ़िया से मूव कर रहा है, मतलब बढ़िया से इसमें फिटिंग हुआ है। पीछे वाला बैरिंग बड़े से मूव नहीं हो रहा है, आगे वाला बैरिंग बड़े से मूव हो रहा है, तो पीछे वाला बैरिंग का जो फिटिंग्स है ना वो तो डैमेज कर दिया है। तो जैसा भी है हमें इसको फिटिंग करके चलाना है। तो बैरिंग बड़े से फिटिंग नहीं होगा तो बड़े से मूव नहीं करेगा। अब मूव बढ़िया से नहीं करेगा ना तब क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगा, उसमें बैरिंग जल्दी जल्दी डैमेज भी होगा, बड़े से मूव नहीं कर पा रहा है तो इसमें अटक रहा है, तो बैरिंग में के ऊपर लोड पड़ते हैं। तो आपको परफेक्ट काम करना है, तो परफेक्ट काम आपको सीखना है। अब बड़े से काम नहीं सीखोगे ना, बड़े से काम नहीं कर पाओगे। काम को प्यार करते हो, मेरे को नए नए खोज करना होता है, मेरे को अच्छे काम सीखना है, तो अच्छे काम सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत करता हूँ। उसमें छोटे पड़े जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना उसको हमें बढ़िया से देखने के बाद उसको सुधार करते हैं। तो बढ़िया से सुधार हो जाने के बाद जब उसको फिटिंग करते हैं ना, बढ़िया से वर्क करते हैं, जल्दी डैमेज नहीं होता है। जो मेरा खोज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको कुछ काम में आएंगे, आप बढ़िया से काम सीख के बढ़िया से काम कर पाओगे, सभी के अच्छे होंगे। नहीं तो आप बढ़िया से काम नहीं सीखोगे तो आप बढ़िया से काम नहीं कर पाओगे। जैसे सीखोगे ऐसे करोगे ना, किसी का नुकसान हो जाएगा, ऐसा ना हो इसलिए मैं रियल काम शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कुछ शेयर करते। देखिए इसमें जो पुली है ना उसमें आपको होल देखने को नहीं मिलते, कैसे आप ओपन करोगे? इसमें एक पांच बनाना है, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। मैं कैसे ओपन कर रहा आपका शेयर करते हैं। ये मशीन किसी ने रिपेयर किया था, कैसे ओपन किया पता है? एक प्लास के मदद से इसको घुमा के ओपन किया है। ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है आपको ऐसे ओपन देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैंने इसमें एक छोटे से पांच किया है, उसके बाद बड़े से ओपन हो गया। देखिए इसमें आपको उसमें मार्क दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ प्लस के मदद से इसको ओपन किए हैं पुली को। तो मेरे पास एक प्लस है, ऐसे कुछ प्लस के मदद से इसको ओपन किए जाते हैं, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए ये जो प्लस है इसी के मदद से ओपन किए जाते हैं, तो इसमें ऐसे इसके अंदर इसको डाल के घुमा के ओपन कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये करने पर क्या होगा, पुली डैमेज हो जाएगा, बेल्ट जब मूव करेगा बेल्ट भी डैमेज होगा, और इसमें कटिंग भी हो जाएगा। तो इसमें कटिंग थोड़ा कर दिया है, इसको मैं रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे, नहीं तो बेल इसमें डैमेज हो जाएगा।
आगे वाला जहाँ पे पुली फिटिंग है वो चेक कर लेता हो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बढ़िया से इसमें पुली फिटिंग हो जाएगा। हो जाने के बाद बड़े से हम मूव करके चेक कर लेते हैं, बड़े से मूव हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े से इसको फिटिंग कर लेते हैं। बड़े से फिटिंग हुआ है तो धीरे धीरे करके हम इसको फिट करते हैं। हमारा इसमें जो पुली है ना ओपन हो गया, तो पुली को फिर से हमें टाइट कर लेना है। तो बड़े से इसमें टाइट हो गया है, तो इसमें स्क्रू को हम कस लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाल के मैं इसको चला के आपके साथ शेयर करते हैं। हमें इसको फ्री बनाना है, इसमें फ्री नहीं मूव कर रहे, तो हमें टक्कर मार के इसको फ्री कर लेना है। देखिए इसमें बढ़िया से इसमें फ्री घूम रहा है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। बढ़िया से इसमें फ्री आपको मूव कर लेना है, नहीं तो इसमें आर्मेचर में लोड आ जाएगा, आर्मेचर डैमेज होने का चांस होता है। देखिए बड़े से मूव हो रहा है, तो बड़े से इसमें फिटिंग हो गया है। देखिए कितना बड़े से मूव हो रहा है, आपको ऐसे ही इसमें फिटिंग कर लेना है। আগুন যত কম মারবে তত কার্বন কম খাবে, ঠিক আছে? আগুন যত বাড়বে তত কার্বন খাবে, এই হচ্ছে নিয়ম। নতুনটা লাগালাম অর্ধেক করে, আগুন মারলে চললো। मशीन बड़े से चल रहा है, उसमें स्पार्किंग भी नहीं हो रहा है। फैन गार्ड मैंने ओपन करके मशीन को फिटिंग किया है, एयर भी बड़े से बाहर हो रहा है, हीट नहीं होगा, मशीन बड़े से चलेगा।